हेलो फ्रेंड्स, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, क्योंकि कोई भी कंट्री पासपोर्ट देखकर ही आपको वीजा देगी। और पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक तो एज प्रूफ, दूसरा एड्रेस प्रूफ। एज प्रूफ में आपके पास होना चाहिए 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट या स्क्रीन पर जो लिस्ट है इसमें से कोई एक। और एड्रेस प्रूफ में आपके पास होना चाहिए या तो आधार कार्ड या बिजली पानी का कोई बिल या जो लिस्ट में जो दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और फीस आपको देनी पड़ती है नॉर्मल केस में 1500 रुपीज, चाहे नया बनवाना हो या रिन्यू करवाना हो। तत्काल में या गुम हो जाने पर फीस ज्यादा है, उसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर बताता हूं। सबसे पहले आप passportindia.gov.in की वेबसाइट खोलें, चाहे तो आप गूगल में लिख दें कि अप्लाई पासपोर्ट ऑनलाइन, इनका होम पेज आ जाएगा, उस पर लिखा है रजिस्टर हियर, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपने कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है। रजिस्टर तब तभी कर पाएंगे जब आपके पास कोई ईमेल आईडी होगी, एक मोबाइल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के आप कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी होगी उसी को आप लॉगिन नेम बना लें। इस ईमेल आईडी पर आपके पास एक ईमेल आएगी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से। उस ईमेल आईडी पे जब आप खोलेंगे उस ईमेल को, तो उस लिंक पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपने उसी को ईमेल को आईडी को ही लॉगिन नेम बना लें और फिर अपना पासवर्ड डाल के अब प्रोसेस स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने बताना है इसके अंदर कि आप फ्रेश पासपोर्ट मतलब उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन आपने क्लिक करना है कि ऑनलाइन पे आपको डाउनलोड नहीं करना फॉर्म। उसके बाद आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र कौन सा है, जैसे गुड़गांव से है तो आप गुड़गांव सेलेक्ट कर लें, यानी दिल्ली के अंदर भी कई सारे PSK आते हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपने बतानी है। एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप NECR में आते हैं यस या नो, तो आप इसने यस कर दें, क्योंकि कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड में आ जाता है। इसके बाद आपने बताना है कि आप नया फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं या रीइश्यू करवा रहे हैं, यानी रिन्यू करा रहे हैं। उसके बाद जल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल कैटेगरी रखिए, तत्काल में फीस ज्यादा लगेगी आपको। और उसके बाद फिर आपको पेजेस कितने चाहिए, 36 या ज्यादा, ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो ज्यादा पेज लीजिए। और रीइश्यू कराने का रीजन क्या है आपका, यानी कि आपका गुम हो गया है या एक्सपायर हो गया है। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि जो आपकी 10th की मार्कशीट में या बर्थ सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग है वो सेम होनी चाहिए एग्जैक्ट। उसके बाद आप बताएंगे कि आपके पास एड्रेस प्रूफ में क्या है, एज प्रूफ में आपके पास क्या है। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप पासपोर्ट की SMS सेवा लेना चाहते हैं, यदि हाँ तो आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र पर 50 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन पूछता जाए आप उसमें फिल करते जाइए और नेक्स्ट करते जाइए। फिर आपको बताना कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, तो इसमें नो कर दें। और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि आपका जो प्रीवियस पासपोर्ट है उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो उसका पासपोर्ट नंबर वगैरह फिल करें। इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछते जाए उसको फिल करते जाएं और नेक्स्ट करते जाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया फॉर्म तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आप इसको बीच में भी सेव कर सकते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं दोबारा, यानी कि आप लॉगिन कर लें तो जो जहां पर आपने छोड़ा था सेव करके वहीं पर आपको मिल जाएगा। जब आप डिटेल फिल कर देंगे तो फिर आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र के साथ, यानी कि जो भी आपके नजदीक पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहां पर आपको फिजिकली एक बार जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको वही कंटिन्यू करें अपनी एप्लीकेशन को, और किस डेट को आप फ्री हैं उसमें ग्रीन कलर में अवेलेबल है, इन पे आपको ये सिलेक्ट कर लें। यदि इससे आपको नेक्स्ट डेट चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, एक एक डेट आगे बढ़ती रहती है ये। और उसके बाद अपने कार्ड की डिटेल्स तैयार रखें, क्योंकि जैसे ही आप शेड्यूल करेंगे अपॉइंटमेंट उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी नॉर्मल केस में 1500 रुपीज। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपका यानी कि फॉर्म कंप्लीट हो गया है, एक प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है। सबमिट कर दें फॉर्म, और सबमिट करने के बाद फिर अब आपको उसी डेट पर जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में। यदि आपके फोन पर SMS नहीं आया तो यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ गेट अपॉइंटमेंट SMS, ये आप SMS ले लें। आपको कोई प्रिंटआउट की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो प्रिंटआउट भी ले सकते हैं, लेकिन आप SMS देखकर भी दिखाकर वहां पर एंट्री ले सकते हैं। आपको कोई फोटोग्राफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना कोई फोटोग्राफ लेके जाना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं, सिर्फ आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन डालनी है। और गुड़गांव के अंदर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो है उद्योग विहार के अंदर M&M टावर, जो हाईवे पर एयरटेल की बिल्डिंग है उसके ठीक पीछे है ये M&M टावर। और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाना है, साथ ही उनकी एक एक फोटोकॉपी जरूर साथ लेकर जाएं।
जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएं तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनकी एक एक फोटोकॉपी भी लेकर जाएं। यदि आपने पासपोर्ट एसएमएस सर्विस के लिए यस किया था तो यहाँ पर आपको उसके 50 रुपीज भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इसके बाद बस आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस वेरिफिकेशन में हो सकता है कि आपके घर पर फोन आए या वो आपको वहीं थाने में बुला लें। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद डाक द्वारा आपका पासपोर्ट आ जाएगा। आप उसकी स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर को डालकर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।